नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस कंपनी पे इंटरेस्ट दिखाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को हो सकता है आने वाले समय पे खरीद ले। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को जैसे ही रिलायंस खरीदेगी ऐसा मार्केट में न्यूज़ आया, उसके बाद हमें यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला और हो सकता है यहाँ पे हमें अपर सर्किट का दौर और थोड़ा लंबा देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको बताऊँगा। जस्ट अभी मार्केट में यह न्यूज़ आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी को ख़रीद सकती है, इंटरेस्टेड है, ख़रीदा बोल के नहीं आया है। यहाँ पर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की ओर से बीएससी को दिए गए एक लेटर में ये लिखा गया है कि सिंटेक्स इंडस्ट्री CISR यानी कॉरपोरेट इंसॉल्वेशन रिसोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत ये कंपनी को इस कंपनी पे चार लोगों ने बोली लगाया है। उस चार लोगों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो एसेट केयर के साथ मिलके, सेकंड है इजी गो टेक्सटाइल, थर्ड है GSCS लिमिटेड और फोर्थ है हिम्मत सिंघा वेंचर। ये चार कंपनियों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदने के लिए। अब यहाँ पे रिलायंस का नाम आया, इसलिए आज ये मार्केट में थोड़ा ज़्यादा ही हाइप हो गया, क्योंकि आपको पता है रिलायंस ऐसे छोटी मोटी जो बिकने की कगार पर रहती है उस कंपनी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड रहता है। जैसे कि आपने देखा आलोक इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी भी लगभग, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ भी लगभग दिवालिया घोषित हो चुकी है। इस कंपनी भी में भी बैंक करप्सी का नौबत आ चुका है। इसने कुछ करोड़ का जो इंटरेस्ट है बैंकों को नहीं चुकाया, तो ये कंपनी भी बैंक करप्सी के कगार पर पहुंच चुकी है। तो इस कंपनी को ख़रीदने के लिए यहाँ पे रिलायंस ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है कि हाँ, हम भी इंटरेस्ट है इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। अब यहाँ पे जिस दिन इसका जो बोली लगेगा तो गारंटी नहीं है कि रिलायंस इस कंपनी को ख़रीदेगा ही। इस में बोली में चार लोग शामिल हैं। अब इस चार लोग में जो ज़्यादा बोली लगाएगा, जिस जो कंपनी के जो क्राइटेरिया को बैंक करप्सी के क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, ये सिंटेक्स इंडस्ट्री उसके पास चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा चांस है कि सिंटेक्स इंडस्ट्री उनके साथ यानी उनके पाले में चले जाए। खैर, बात की बात है, बात जब होगा तब होगा। लेकिन यहाँ से अभी हमें कुछ और अपर सर्किट का दौर देखने को मिल सकता है। अगर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज उसमें 5% का अपर सर्किट लगा और ये स्टॉक लगभग 10.5 के आसपास पहुंच चुका है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 180% के आसपास का अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, अब आगे इस इंडस्ट्रीज में बहुत सा क्वेश्चन मार्क है। डील पूरा होगा नहीं होगा, होगा भी तो इसका कुछ क्या स्वाइप पे रेशियो, यानी ये सब आप समझ रहे हो कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर रहेगा तो उसको उसके बदले में एक शेयर दे दिया जाएगा, 5 शेयर दिया जाएगा, हेयर कट क्या रहेगा, ये सब बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है। तो जो रिटेल निवेशक है ये सब बातों को ध्यान रखिए अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का जो पेनी स्टॉक रहता है वहाँ तो प्रमोटर ऑलरेडी पहले ही गायब हो चुके होते हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में लगभग अभी 4% ही यहाँ पे प्रमोटर है। अगर हम पब्लिक कॉलम देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पे 95% है, क्योंकि मार्केट में जो भी डूबी हुई कंपनियाँ रहता है, जो भी पेनी स्टॉक रहता है, वहाँ पर हमेशा रिटेल पब्लिक का ही पैसा लगा होता है। क्योंकि रिटेल पब्लिक भी मतलब उनको मन में लालच रहता है, यार ये कंपनी डूब रही है, ये कंपनी का 1 रुपया 2 रुपये क्या पता कहीं तैर के निकल जाए तो इसका प्राइस 10 रुपये हो जाए। सेम सिचुएशन हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा कर्ज, लगभग 6000 करोड़ के ऊपर का, 6500 करोड़ के ऊपर का कर्ज अभी भी इस कंपनी के ऊपर है। ये कंपनी कर्ज नहीं चुका पा रही है, इसलिए कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा रही है। अब इसे भी खरीदने के लिए चार कंपनी आ गया है। अब इस चार में से कौन सा कंपनी खरीदेगी वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया और आता है, टाइम फ्रेम। अब देखिए, इस डील पूरा होने में, इस पूरा करने में हो सकता है 1 महीने का भी लगे, हो सकता है 1 साल का भी समय लगे। तो ये फिक्स नहीं है कि रिलायंस के पास ही जाएगा और जल्दी से जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो प्रोसेस होता है वो लेंथी प्रोसेस रहता है। ये सब प्रोसेस होने के लिए समय लगता है। और एक चीज़, जब इस टाइप की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आता है तो रिटेल निवेशक का दिमाग देखिए,
एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है, तो लोग क्या करते हैं, उस छोटी कंपनी को खरीदते हैं, लोग बड़ी कंपनी को नहीं खरीदते हैं। आज वही सीन रहेगा, लोग सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को खरीदेंगे, कोई रिलायंस को नहीं खरीदेगा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जिसके जेब में अगर 1,000, 2,000, 3,000 रुपये है और उसके जेब से एक दो का सिक्का निकल गया, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ भी, अगर कल के दिन रिलायंस इसे खरीद रही है, अगर सिंटेक्स कुछ नहीं भी कर पाए, तो रिलायंस का क्या फ़र्क पड़ेगा? उनके जेब में से उसके लिए एक दो रुपये ये चिल्लर है। तो ये रिटेल निवेशक समझते नहीं है। हाँ, जो इंटेलिजेंट रिटेल निवेशक है वो क्या करेगा, रिलायंस पैसा लगेगा क्योंकि उसने इसे खरीदा है और ये परफॉर्म करेगी, तो अल्टीमेट इसका जो भी बेनिफिट है हमें रिलायंस को देखने को मिलेगा। तो शेयर मार्केट में हमने बहुत सा टाइम ये देखा है कि हमेशा लोग छोटी कंपनी पे, डूबी हुई कंपनी पे दाव लगाने का सोचते हैं, बड़ी कंपनी पे कोई नहीं लगाता है। तो आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो एक बार अपना खुद का एनालाइज़ कीजिए, कंपनी का एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए।